हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे दही वड़ा। दही वड़ा बनाने के लिए आपको उड़द की दाल को ओवरनाइट फूलने के लिए रखना है। जब वो फूल जाए तो आपको है ना 2-3 पानी से आपको है ना धुलना है, एंड देन मिक्सी जार में आपको उसको है ना पीस लेना है। पीसने के बाद इसमें आप हल्का धनिया, कटा हुआ धनिया और मिर्ची जो है आपको एकदम छोटी छोटी काटनी है एंड उसमें पुट करना है। इसके अलावा आपको बेकिंग सोडा पुट करना है। बेकिंग सोडा डालने के बाद आपको इसको प्रॉपरली मिक्स कर लेना है, एंड इसके बैटर को रेडी करने के लिए आपको इतना ज़्यादा मिक्स करना है कि जब आप एक बॉल में आप इसे पुट करो, पानी लाइक पानी का बॉल एक ले लो एंड उसमें है ना एक छोटा सा है ना लोई बनाकर उसमें डालोगे तो वो फ्लोएट होने लगेगा, इतना आपको मिक्स करना है। आपको पता है दही वड़ा को हिंदी में दही वड़ा ही बोला जाता है, पंजाबी में दही भल्ला बोला जाता है एंड मराठी में दही वड़े बोले जाते हैं। इसमें कर्ड की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो यू नो कि कर्ड जो है एक्सलेंट सोर्स ऑफ कैल्शियम, विटामिन B12, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के साथ बना हुआ है, और ये एक्चुअली स्किन एंड हेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है एंड ऑल्सो इट्स गुड फॉर डाइजेशन। सो इसमें ये सारी लाइक हेल्थ बेनिफिट्स भी होती हैं, और बेसिकली क्या होता है कि ये होली के फेस्टिवल में लाइक बिहार यूपी में बनते हैं, एंड जब भी आप होली के फेस्टिवल पे अगर वहाँ विजिट करते हो तो आपको लाइक दही वड़े तो खाने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं तो आप प्लीज़ एक बार वो फेस्टिवल्स में विज़िट करना, एंड वहाँ के दही वड़े तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा खाने में टेस्टी लगते हैं, तो वहाँ पे हर साल होली के फेस्टिवल में बनता है। एंड इसको इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है लेकिन खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। तो इसको जब आप मिक्स कर लेना, देखो हमारा बैटर तैयार है और मैं इसमें चेक कर रही हूँ कि लाइक फ्लोएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिकली ऊपर चला गया, फ्लोएट हो रहा था, बट मैं एक बार फिर से चेक करूँगी बिकॉज मेरा जो है ये अंदर चला गया था, तो मैं एक बार फिर से चेक कर रही हूँ। आप देखिए और ये ऑटोमेटिकली फ्लोएट हो रहा है, आप चेक कर सकते हो ये फ्लोएट हो रहा है, डैट मीन्स कि हमारा बैटर है ना रेडी हो चुका है। एंड आपको अब क्या करना है, गैस का पे आप या तो पैन ले लो या कढ़ाई ले लो, जिसमें भी आपको है ना तलना है। तो तलने के लिए आपको क्या है, सरसों का तेल ले सकते हो। सरसों के तेल में क्या है कि काफ़ी ज़्यादा लाइक उसका फ्लेवर अच्छा आता है। अदरवाइज़ अगर आप रिफाइंड ऑयल यूज़ करना चाहते हो, कुछ भी यूज़ करना चाहते हो, कोई ऑयल जो आप खाते हो तो उसमें भी तल सकते हो। बेसिकली हम सरसों के तेल में बनाते हैं एंड इसलिए मैंने आपको सरसों का तेल सजेस्ट किया है। सरसों के तेल जब गर्म हो जाए आपका तेल जब गर्म हो जाए तो उसमें आपको है ना जो राउंड शेप में बैटर को है ना लाइक बॉल शेप में आपको बनाकर डालना है। इसमें आप दोनों हाथ में हल्का पानी ले लो ताकि वो है ना सॉफ्ट तैयार हो। इसके साथ आपको है ना ऑयल में पुट करते चले जाना है सारा, और ये इतनी हल्की होती है ना कि ये कुछ देर बाद है ना ऑयल में भी फ्लुइड होने लगती है, एंड इसको इजी होता है तलना। तलने के बाद आपको क्या करना है, एक लाइक कोई भी कंटेनर में आप गर्म पानी कर लो, उसमें हल्का नमक डाल दो, बिकॉज़ इसमें नमक मैंने पुट नहीं किया है, तो आप गर्म पानी में नमक डाल दोगे तो इसके अंदर है ना नमक का फ्लेवर चला जाएगा। इसको आपको है ना नमक इसमें डालने के बाद 1-2 घंटे के लिए छोड़ दो या लाइक हाफ एन आवर के लिए, एंड उसके बाद आपको है ना सर्विंग की टेक्निक बताऊँगी मैं कि कैसे सर्व करते हैं। मैंने छोड़ दिया था उसको एक घंटे के बाद। एक घंटे के बाद मैं आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा फूल गई है। आपको प्लेट में 4 ले लो या 5 ले लो, आप उस अकॉर्डिंग आप है ना एक प्लेट में डाल सकते हो। एंड आपको दही को प्रॉपर मिक्स करना है, होता है जो प्रॉपर मिक्स्ड दही होती है ना उसको यूज़ करना है सर्विंग के लिए। मैंने मिक्स करके रखा था कर्ड, और इसके ऊपर से हम पुट कर देंगे।
दही पुट करने के बाद आपको है ना इमली की चटनी मैंने पहले से तैयार कर रखी थी, तो मैं इस पे है ना इमली की चटनी हल्की सी डाल रही हूँ। इमली की चटनी मीठी होती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा खट्टा मीठा फ्लेवर आता है इससे, तो आप इमली की चटनी यूज कर सकते हो। एंड हल्का सा मैंने धनिया की चटनी भी धनिया की चटनी भी बना रखी थी, तो मैं इसमें धनिया की चटनी भी पुट कर रही हूँ। अच्छे से पुट करना है ताकि इसका जो लुक है काफ़ी अच्छा आए। ऐसा बोला जाता है कि खाने का लुक अच्छा होता है तो खाने का मन ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो जितने ज़्यादा हम अच्छे से इसको डेकोरेट करेंगे, उतने ज़्यादा देखने में अच्छी लगे, उतना ज़्यादा हमारा खाने का दिल होगा। इसके ऊपर से आप हल्का सा धनिया पाउडर छींटो एंड चिली फ्लेक्स काला नमक ये ऊपर से है ना हम सर्विंग के टाइम पुट कर देंगे, एंड उसके बाद हम अपने घर में सभी को सर्व कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मैं यूट्यूब पे नई हूँ तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ। मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लेकर आती रहूँ। थैंक यू सो मच, एंड कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें कि आपको कैसा लगा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।